आजकल हम सभी घर पर हैं क्योंकि गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उन्हें हमें पूरी तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि ये हमारी ही सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी चीज़ें आपको गवर्नमेंट की तरफ से सुनने को मिल रही हैं और जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनको आप कंप्लीट पूरा करिए, क्योंकि तभी हम एक इस तरीके की चीज़ों के खिलाफ लड़ सकते हैं एकजुट होकर। तो बाहर बिल्कुल भी मत जाइए, घर पर रहिए, और इसके अलावा घर पर लगातार अपने हाथों को धोते रहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ रहे होंगे, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। तो इसी तरीके से मैं भी घर पर ही हूँ और बाहर नहीं जा रही हूँ। तो जब कभी भी घर पर हैं तो हमें अपना थोड़ा सा टाइम एक क्वालिटी टाइम की तरीके से काटना है। तो हम लोग क्योंकि सारी फैमिली एक साथ है तो बहुत अच्छा एक ये भी टाइम है कि सारी फैमिली साथ बैठ के बातें कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा टाइम भी बहुत कम मिल पाता है जब सब लोग अपने कामों से फ्री हों। लेकिन देखिए, मैंने सोचा आज की चलो मैं थोड़े से, मेरे पास ये नर्सरी के लाए हुए पॉट पड़े थे। एक्चुअली जब हमारे पौधे आते हैं तो इन्हीं पॉट्स में आते हैं, और मैंने थोड़े से रिपॉटिंग करी थी तो ये मेरे पॉट्स खाली हो गए थे, जिन्हें मैंने धो लिया, साफ कर लिया। और उसके बाद मैंने मॉर्निंग में करीब 9 बज रहे हैं, मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट कराने के बाद खाना बना के रख दिया है और सोचा कि चलो इनको नया सा कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा आउटडोर में। तो कलर मेरे पास जो पड़ा हुआ था ऑयल पेंट, ये वाइट कलर है, तो इससे मैंने पहला कोट अपने सारे पॉट्स पे कर दिया। एक्चुअली मेरे पास कई तरीके के पॉट्स हैं तो कुछ तो खाली हैं, और इसके अलावा जो नर्सरी से कुछ और मैं पौधे लेकर आई थी उनके पॉट्स भी हैं, तो मैंने खाली वाले पॉट्स में भी पेंट कर दिया। और जो मैं नर्सरी से कुछ पौधे लेकर आई थी उनके जो गमले थे उन पे मैंने भी कलर कर दिया, क्योंकि जब मैं नर्सरी से पौधे लेकर आती हूँ तो इमीडिएटली उनको किसी दूसरे गमले में रिपॉट नहीं करती हूँ, और उसके लिए मैं थोड़ा सा वक्त पौधों को देती हूँ। तो सारे जब हम वाइट कलर कर देते हैं किसी भी पॉट पर, तो जो नेक्स्ट कलर हम करेंगे वो बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। और वैसे भी ब्लैक कलर के ऊपर कोई दूसरा कलर चढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो करीब 11 बज गए, 11:30 का टाइम हो रहा था, मैंने सब पर वाइट कोट कर दिया। बहुत सारे गमले हैं और सबको मैंने धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद मैं नहाने चली गई। अब करीब 3 घंटे के बाद देखिए, जब मैंने नहा के खाना वाना खिला दिया तो ये पॉट तब तक धूप में सूख चुके थे। और कलर करने के लिए देखिए, एक इस तरीके की स्टेनर्स आती हैं मार्केट में, ये स्टेनर्स से आप कोई भी कलर बना सकते हैं, बस इसको आपको वाइट कलर में मिलाना रहता है। तो मैंने ऑयल पेंट अपना लिया और उसमें ये कलर स्टेनर येलो कलर का मैंने मिला दिया। तो देखिए कुछ इस तरह का येलो कलर मैंने प्रिपेयर कर लिया। और जो मेरा पॉट थे, जो प्लांटर्स थे, उसमें मैंने ऊपर की तरफ एक वाइट पट्टी छोड़ दी और नीचे की तरफ मैंने इस तरह से देखिए कलर कर दिया, और साथ के साथ इनको कलर करके मैं धूप में सुखाती रही ताकि इनका कलर जल्दी से सूख जाए। और एक एक करके सारे जितने भी मेरे पॉट थे उसमें मैंने इस तरह से येलो कलर का पेंट कर दिया। ऑयल पेंट से एक बड़ी ही चमक वाला लुक आ जाता है, जिसे देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये सिरेमिक के गमले हों। और धूप में ही जब सारे गमले पेंट हो गए तो मैंने उनके नीचे की तरफ भी पेंट कर दिया अच्छी तरीके से, तो कहीं पे भी कुछ भी ब्लैक कलर वाला जो निशान था या गंदगी वाला कोई भी पोर्शन मैंने नहीं छोड़ा। और देखिए ये सारे जितने भी पॉट थे येलो कलर वाले, वो मैंने पेंट करके धूप में छोड़ दिए। इसके बाद जो रखे हुए पॉट थे, जो दीवारों पर रखे हैं या जिनमें ऑलरेडी प्लांट्स लगे हुए हैं, उन सब पर भी मैंने रखे रखे ही पेंट कर दिया येलो कलर का। तो अच्छी सी एक चमक आनी शुरू हो गई, और इस वक्त करीब 2 बजे का टाइम हो रहा था और सारे मैंने पेंट करके इस तरह से छोड़ दिए। उसके बाद देखिए, जब ये सारे कलर पेंट हो गए तो अब जो नेक्स्ट कलर मैंने बनाया येलो कलर के अलावा, वो था एक पीच कलर। पीच कलर को बनाने के लिए मैंने वाइट कलर में थोड़ा सा मेरे पास रखा हुआ एक ऑरेंज कलर था, ये भी ऑयल पेंट था, इनको मैंने मिक्स कर दिया और एक लाइट कलर मैंने बनाया।
और जो एक अलग तरीके के गमले थे, जैसे कुछ तो देखिए राउंड शेप के गमले थे, उन सब पे मैंने येलो कलर कर दिया था। और इसके अलावा जो दूसरी शेप के जितने भी पॉट थे उन सब पे मैंने इस तरह से पीच कलर कर दिया। तो जब कलर करने बैठो ना तो बहुत सारी चीज़ें कलर हो जाती है। जैसे देखिए ये एक पेंट की बाल्टी है जिस पर मैंने कलर कर दिया, और इसका मैं एक बहुत अच्छा DIY बनाऊंगी। लास्ट तक वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और ये बन के बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इस तरह से करीब 4:30 बज रहे हैं और मैंने ये सारे गमले इस तरीके से धूप में ही छोड़ दिए, और अब तो शाम हो गई और फिर शाम का काम घर का स्टार्ट हो गया। अब जो देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखिए क्या हालत हुई। रात को थोड़ी सी बारिश हुई होगी किसी टाइम पे, तो जो न्यूज़पेपर हैं वो भीग गए हैं। लेकिन देखिए सारे यहाँ पे बहुत सारे मैंने पेंट कर दिए थे बाद में भी जब टाइम मिला था मुझे। लेकिन देखिए क्योंकि ये ऑयल पेंट होता है तो इसके कलर को कोई भी फ़र्क पानी से नहीं पड़ता, और ये देखिए एज इट इज़ बने रहे ये सारे गमले और बिल्कुल सूखे हुए ये तैयार हो गए। तो इस तरह से देखिए आप जब कभी भी पेंट करें तो ऑयल पेंट से ही करें, इससे आपके गमलों की लाइफ बढ़ जाती है। अब देखिए नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हुई और जो बाहर मैंने अंदर के जो भी प्लांट्स अपने रखे हुए थे बाहर पेंट करने के लिए उन सबको मैं अंदर ले आई, और बाहर के मैंने जो नीचे रखे थे प्लांट्स उन सबको देखिए इस तरह से एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ मैंने येलो कलर के प्लांटर्स को पॉट्स को मैंने एक छोटा सा स्टूल बना दिया जिसके ऊपर मेरे दूसरे प्लांटर सेट हो गए, और देखिए कितना बढ़िया ये लुक लग रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सिरेमिक के गमले हों। और इस तरह से देखिएगा ये सालों साल चलेंगे और इनके कलर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अलावा और भी जो मैंने पेंट किए थे जितने भी मैंने पॉट वो सब उठा उठा के उनकी जगह पर रख दिए, अभी मुझे इनके ऊपर कुछ डिज़ाइन भी करना है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक कॉमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस तरह से सारे जब पॉट्स उठ गए तो उसके बाद बारी आई सफाई करने की, क्योंकि जब तक सफाई नहीं कर लेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप है इन पॉट को पेंट करने का और DIY बनाने का वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो नहाने से पहले इन सब चीज़ों को नेक्स्ट डे मैंने रख दिया अपनी जगह, और देखिए अच्छी तरीके से मैंने सफाई कर दी। और उसके बाद अब करूँगी मैं इन पॉट पे पेंटिंग, जो कि एक बड़ा ही आसान तरीका है, और बनाऊँगी एक DIY। पॉट को पेंट करने के लिए मैंने ली इस तरीके की एक स्टेंसिल, ये आपको किसी ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, और आप चाहो तो आपको किसी स्टेशनरी की शॉप पे इस तरह से ये स्टेंसिल्स मिल जाती हैं। अलग अलग डिज़ाइंस की आती हैं, बहुत सारी इनमें वैरायटी आती है, और इसमें अलग अलग तरीके की शेप्स रहती हैं। तो जैसे अगर आपको बहुत अच्छी ड्राइंग करनी नहीं आती है तो बहुत ही अच्छी एक ड्राइंग इनकी मदद से आप बना सकते हैं। तो अब क्योंकि मुझे ये छोटी चाहिए थी क्योंकि मुझे गमले के ऊपर लगानी थी, तो मैंने इसे कट कर लिया थोड़ा सा, और काफ़ी सस्ती मिलती है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं, ये मेरे पास काफ़ी पहले की पड़ी है, शायद 20-30 रुपीज़ में ये मिल जाती हैं। तो जो साइज़ मुझे गमले के ऊपर लगाना था उतना साइज़ मैंने इसमें से कट कर लिया। और जब कभी भी आप इसके मदद से पेंटिंग करें तो इसे टेप की मदद से किनारों से चिपका लें, तो थोड़ी अच्छी इसमें जो है शाइन और वर्क आएगा, फाइन वर्क हो जाएगा आपका। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कट कर लिया, और लिए मैंने इसके साथ इसको पेंट करने के लिए मैंने ऑयल पेंट लिए। ऑयल पेंट एक्चुअली ये ट्यूब्स में बेटे ने लाके रख रखे थे, काफ़ी पुराने और यूज़ नहीं किए थे, इन्हीं ऑयल पेंट की मदद से मैंने इस स्टेंसिल को का जो डिज़ाइन है वो गमले पे उतारा। तो देखिए इसके लिए जो हमें एक फोम वाली ब्रश चाहिए होती है ये भी आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी। इस तरह से इस डिज़ाइन को रखा, और जितना भी डिज़ाइन हमें अपने पॉट पे उतारना था उसके ऊपर डैब डैब करके इसकी मदद से देखिए हमने आसानी से एक डिज़ाइन बना लिया। देखिए कितना आसान और कितना फाइन डिज़ाइन ये बनकर आया। जब दोबारा इस स्टेंसिल को यूज़ करें तो इसे साफ़ करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसकी मदद से फिर से देखिए इस तरह से डैब डैब करके आप उसी पोर्शन पे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके के डिज़ाइन हैं, और अगर आपके पास ये ब्रश ना हो, जो स्पंज ब्रश आती है, तो आप जो जैसे देखिए किचन का जूना आता है इसकी फोम का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि कलर को बिल्कुल भी पतला मत करिएगा, कलर को एज इट इज़ थोड़ा सा थिक रहने दीजिएगा, तो इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा बनकर आता है। और देखिए कितने सुंदर तरीके से ये सारे डिज़ाइन इसमें बन गए, बहुत ही आसान मेथड है। और इसी तरीके से मैंने डॉट्स बना दी इसी स्पंज ब्रश की मदद से,
और ये मैंने सिल्वर कलर की बनाई। थोड़ा सा छोटा मैं डॉट्स को बनाना चाहती थी, तो ये बिल्कुल आसान मेथड है जिससे जो मेरे पॉट थे वो बिल्कुल बढ़िया हो गए। अब देखिए, ये वही एशियन पेंट का जो मेरा पेंट हुआ था आउटडोर में, उसके लिए मैंने जो कलर मंगाया था उसकी ये बाल्टी थी, तो कलर बच गया था मेरे पास ये पीच कलर का, तो मैंने इसके ऊपर भी पेंट कर दिया था, तो बिल्कुल ये नई सी लगने लगी। अब मुझे इसका जो DIY बनाना था उसके लिए मैंने ली ये रोप, ये आपने मेरे पहले पुराने वीडियोज़ में देखी है, इसको मैंने यूज़ किया था एक DIY बनाने के लिए, ये बची हुई थी। ये आप जहाँ पे रस्सियाँ वगैरह मिलती हैं उन शॉप पे आपको अलग अलग तरीके की रस्सियाँ मिल जाती हैं, ये वहाँ से ही मैंने परचेस करी थी, तो इसको मुझे इसके ऊपर ही लगाना था। तो लगाने का वही सिंपल मेथड है, ग्लू गन की मदद से हम इसको लगा सकते हैं। अपने सारे वीडियोस में मैं इसी तरीके से बताती हूँ आपको। तो ग्लू गन की मदद से मैंने इसको इसके ऊपर लपेट दिया, क्योंकि मेरे पास ये थोड़ी कम थी तो मैंने इसे केवल बीच के साइड पे इस तरह से लपेटा, और जो ऊपर का साइड था जिसमें कि इसके ढक्कन की जगह थी वहाँ पर मैंने इस तरह से, देखिए ये जूट की जो रस्सी थी इसको लपेट दिया। बहुत ही आसान तरीके से आप ग्लू गन की मदद से इसको लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, जो इसका हैंडल था उसको भी थोड़ा सा, उस पर भी काम करना था, तो इसके ऊपर भी मैंने सेम जूट की रस्सी को लपेट के इस पूरे हैंडल को छुपा दिया। तो एक आप बहुत तरीके हैं जिनसे आप किसी भी चीज़ को नया कर सकते हैं, और ये सबसे आसान मेथड होता है और बहुत ही जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको करा। पहले मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन क्योंकि कलर बच गया था इसलिए मैंने इस बाल्टी को पेंट कर दिया था। इसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें मैंने बहुत सारी पेंट कर दी, क्योंकि ये इतना सारा काम था पेंट का कि मुझे पूरा दिन लग गया था एक दिन पहले का, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें पेंट कर दी थी। तो इस पूरे काम को करने में मेरे 2 दिन हुए, और इतने सारे मेरे जो प्लांटर्स थे, पॉट्स थे, वो मैंने पेंट किए। और देखिए, इस तरह से ये DIY मेरा तैयार हो गया। आप चाहे तो इसे, इसके अंदर मैं कोई दूसरा प्लांटर रख सकती हूँ, या इसको किसी भी तरीके से मैगजीन रैक की तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा यूज़ किया, जो मैंने एक ट्रे गार्डनिंग के लिए एक पीस बनाया था उसको मैंने आउटडोर रखा है, क्योंकि उस पर जेड प्लांट लगा हुआ है जिसे कि हम इंडोर नहीं रख सकते हैं, तो इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो ये बहुत ही एक अलग सा शोपीस सा दिखाई देने लगा और बहुत ही सुंदर लगा। आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं ट्रे गार्डनिंग में किस तरह से वाटरिंग करूँगी, बहुत ही आसान है। धीरे से किसी कॉर्नर से आप पानी डाल दीजिए, कोई भी चीज़ इसमें डिस्टर्ब नहीं होती है, और देखिए कितना सुंदर ये DIY रेडी हो गया। तो यूज़ हो गया देखिए एक पुरानी सी चीज़ का। और इसी तरीके से देखिए, ये अरेलिया का जो मैंने बनाया था ट्रे गार्डनिंग में, इसको भी सेम मेथड से ही मैंने पानी दिया और इसका भी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता। और ये देखिए, एक और पेंट का डब्बा था, इसको मैंने येलो कलर से पेंट कर दिया था, तो ये जो डक है शोपीस, ये भी थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देने लगा। तो इस तरह से बहुत सारे पॉट्स और प्लांटर्स मैंने पेंट किए और इस तरह से रखे कि बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि एक नया तरीके का एक गमले हैं ये, और बहुत ही अच्छे लगे। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के पुराने पॉट हों तो आप उनको ऑयल पेंट की मदद से ही पेंट करिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। अब देखिए, ये हैं वो पीच कलर वाले जिसमें कलेंचू के मैंने पौधे लगा रखे हैं, ये भी बेहद खूबसूरत लगे कलर होने के बाद। तो घर में अलग अलग तरीके के आउटडोर में कॉर्नर बन गए, येलो कॉर्नर अलग बन गया, एक पीच कलर का कॉर्नर अलग बन गया, और जो वो काले काले से ब्लैक कलर के जो पॉट होते हैं ना, वो अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं और लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। तो देखिए, ये डॉट वाला गमले हैं और ये मेरे जो है मिंट ग्रीन कलर के संग कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो इस तरह से मैंने जगह जगह पे जो अपने ये पॉट पेंट किए थे उनको रख दिया, तो पूरा ही जो आउटडोर का एरिया था वो बिल्कुल नया सा हो गया और मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो गया। तो आप भी इसी तरीके से घर में रहिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करिए और सेफ रहिए, और सारी गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।